छतरपुर में श्री कृष्ण विश्वविद्यालय द्वारा एक प्रोग्राम रखा गया, जिसमें बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने छात्र छात्राओं से उनसे प्रश्न किया। युवाओं के मन में क्या चल रहा है उस पर भी बात की। संसार की भौतिकता, संसाधनों पर वाद किया। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सभी छात्र छात्राओं के प्रश्नों के जवाब दिए। हिंदू सनातन की बात कही। उन्होंने कहा कि भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। 13 वर्ष का था और कक्षा छठी में पढ़ता था। आज भगवान बागेश्वर बालाजी की कृपा से श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी में युवाओं से और यहाँ के सभी विद्यार्थियों से प्रश्नोत्तरी थी। जीवन उपयोगी, अध्यात्म संबंधी, विद्या संबंधी एवं सफलता प्राप्त करने के लिए सभी युवाओं ने अपने अपने मन के संदेह को रखा। जो भी हमारी सामर्थ्यता थी, भगवती सरस्वती की जो भी कृपा थी, हमने अपनी कोशिश पर उनको उत्तर दिए। बहुत अच्छा लगा। युवा जब सनातन की बात करता है, युवा जब आगे बढ़ने की बात करता है, युवा जब संघर्षशील से आगे बढ़ कर के सफलता पाने के लिए की बात करता है, इससे तय होता है कि भारत हमारा बदल रहा, भारत का युवा बदल रहा और सनातन की बहार चल रही है। महाराज, इस प्रकार के संवाद से छात्रों में किस प्रकार की ऊर्जा आएगी? इस प्रकार के संवाद से एक तो युवाओं में बहुत कॉन्फिडेंस, आत्मबल बहुत बढ़ेगा। दूसरा, इससे स्पिरिचुअलिटी बहुत आवश्यक है। जैसे वर्तमान में युवाओं के पास में शिक्षा बहुत है, पर शिक्षा के साथ साथ अभी युवाओं को संस्कृति की बहुत आवश्यकता है। ये भी बल प्राप्त होगा, उनको जीवन जीने की भी कलाएं प्राप्त होंगी। श्री कृष्णा विश्वविद्यालय में किस प्रकार का संवाद होने जा रहा है? आज परम पूज गुरु महाराज बागेश्वर जी के आशीर्वाद से श्री कृष्णा विश्वविद्यालय में आध्यात्मिक संवाद का कार्यक्रम रखा है। महाराज जी आज छात्रों से प्रश्नोत्तरी करेंगे। छात्रों के मन में कुछ जिज्ञासाएँ होती हैं, लक्ष्य को प्राप्त कैसे करें, वो कई मर्तबा इस उम्र में भटकते दौर में राय से भटक जाते हैं, मूल्य जो गिर रहे हैं, क्योंकि जो युवा है वही देश का हमारा भविष्य है और वही युवा एक सुदृढ़ देश का निर्माण करेंगे। तो महाराज जी के आशीर्वाद से वो बच्चों से सीधे संवाद करेंगे और उनके बच्चों के प्रश्नोत्तरी का वो जो भी रहेगा आंसर देंगे, उनको मार्गदर्शन देंगे।